हाय, कैसे हैं आप? मैं बैठूं? आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए मुझे? आप पिछली बारी तो मिले थे हम। अब आप बोलोगे कि आप मुझे जानते ही नहीं हो। मैं नहीं जानता। अरे पिछली बार नहीं मिले थे हम लोग? पिछली बार जब हम लोग मिले थे, हमने साथ में एक ही कैब से गए थे, आपको याद नहीं? रात में मैं आपको छोड़ते हुए गई थी राजौरी गार्डन। अब आप बोलोगे कि आपको ये भी याद नहीं है? आप पता नहीं मजाक कर रही हैं शायद। एक बात बताओ, आप मेरे रिश्तेदार हो? नहीं। आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं मजाक कैसे करूंगी आपसे? मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैंने अननोन से बात तक नहीं की, आपसे मजाक कैसे कर दूंगी मैं, ये बताओ मुझे। हाँ, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। अरे आप मुझे कैसे पहचान नहीं रहे हो? पिछली बार आप बताओ, एक मिनट, जब पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो आपने क्या बोला था कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम कॉफ़ी चलेंगे, हम ये चलेंगे, हम वो चलेंगे, और अभी आप बोल रहे हो आप पहचान नहीं रहे हो मुझे, अभी अचानक से मुझे यहाँ पर मिल गए तो मैंने सोचा ठीक है पूछ लेती हूँ। कहाँ पर मिले थे? हाँ, उधर की साइड बैठे हुए थे आप पिछली बार, याद नहीं है आपको, जब आपका सूज खो गया था, एक कुत्ते ने आपका सूज ले गया था, भूल गए इतनी सारी बातें? मेरी बात सुनो, पिछली बार जब आप आए थे, आपके साथ आपकी एक फ्रेंड भी थी जिनका नाम था प्रियंका, वो भी आपके साथ ही थी, तो आप भूल कैसे गए मुझे? आपने वो सबके सामने में बोला कि आप इतनी प्यारी है, मैं आपको भूल नहीं सकता, आप ये मैंने बोला ये। Obviously, मैं मजाक थोड़ी करूंगी, आपने ही तो बोला था मुझे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? मतलब आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं मुझे? मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भूलना चाहिए मुझे। नहीं मैम, ऐसे तो कोई आके पैसे किसी से बोलता नहीं है, आप पता नहीं कैसे बोल रही हैं। नहीं, आप भूल गए ना मुझे, प्रॉब्लम तो आप में है ना, आप कैसे भूल गए मुझे? आपने पिछली बार बताओ इतनी सारी प्रॉमिस करके गए, सारे प्रॉमिस आपने तोड़ दिया। कौन सा प्रॉमिस? कौन सा? अरे प्रॉमिस आपने पिछली बार किया नहीं कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम अगली बार जरूर चलेंगे, हम कॉफ़ी पे चलेंगे, ट्रीट मेरी तरफ से रहेगा, पार्टी मेरी तरफ से रहेगा। और पता है कि आज ना वीकेंड है, तो वैसे ही मैं ऑफिस से फ्री थी, तो मैंने सोचा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी फ़ोन करा, मैंने सोचा मैं आपके साथ घूमने चलूँ, आपको भी साथ ले लूँ, आप अभी सडनली मुझे यहाँ पे मिल गए तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलूँ। अच्छा आप बोलते नहीं है क्या? पिछली बार तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे थे। मैं खुद शॉक में हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं। इस बार तो आप चुप हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या बोलूँ, आप ऐसे बात बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं। कैसी बातें बोल रही हूँ मैं? अब आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना मैम? अब मुझे याद नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि आपको कैसे याद नहीं आ रहा ये बताओ मुझे। आप बोलोगे कि आपको मेरा नाम भी याद नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, फिर तो मुझे पूछो ही मत, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, मुझे तो छोड़ के चले जाना चाहिए आपको। तो आप कह रही हैं कि आप क्या छुट्टी और आप इसलिए यहाँ पे आए कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चले? मैं इसलिए नहीं आई, एक्चुअली मेरा आज वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि आप मेरे को पिछली बार प्रॉमिस किए थे कि आप मुझे कॉफ़ी पे लेके जाने वाले हो, तो अभी सडनली आप मिल गए तो मैंने सोचा क्यों ही अपनी कॉफ़ी छोड़नी है कि नहीं। इस वजह से मतलब आप यहाँ पे मेरे पास इस वजह से आएंगी? हम लोग हाँ, बोला था आपसे। हाँ आपने बोला नहीं था, आपने प्रॉमिस भी किया था, इस वजह से मैं आई हूँ। अब आप बोल दोगे कि नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं कुछ, और मैं इस बात को मान भी लूँगी कि नहीं आपने कुछ नहीं बोला। तो अगर मैं इनके साथ कॉफ़ी के लिए ले चलूँगा तो आप चलोगी? आप रेडी हो? ऑब्वियसली मैं जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी, आपने मुझे प्रॉमिस करा है। क्यों स्ट्रेंज क्यों लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ कोई लड़की कॉफ़ी पे भी जा सकती है, ऐसा आपको फील नहीं रह रहा? ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई मुझे, आप जैसे आपके लिए आप इतनी सारी चीज़ें जानती हो सकता है ना, आपने भगवान से ऐसा बोला हो कि कोई एक अच्छी सी लड़की मुझे भेजो जो मुझे कॉफ़ी पे मेरे साथ चले, है ना? वैसे तो आपको कोई ले नहीं जा सकता, तो आपने ऐसा भगवान को बोला होगा, ओ भगवान प्लीज़ मुझे किसी को भेजो। चलिए आप कह रही हैं तो मैं इतना, आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब आप याद करो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेरे कहने से मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या बोलूँ, थोड़ा थोड़ा क्या? अच्छा थोड़ा थोड़ा आपको क्या याद आया वो बता दो आप मुझे, कि थोड़ा आपको क्या याद आया? यही सब जो आप बता रही हैं ऐसा हुआ होगा। मैंने क्या बताया आपको कि आपने आप मेरे को मिले थे और फिर आप मेरे को बोले थे कि ठीक है मैं आपको कॉफ़ी पे ले जाऊंगा, ऐसा सब कुछ याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको, क्या याद आ रहा है? अच्छा आप उस दिन किसके साथ थे? फ्रेंड के साथ थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रियंका आपकी गर्लफ्रेंड थी, तभी आपने ना पीछे से मुझे ऐसे चुपके से बोला था कि मैं आपको कॉफ़ी पे ले जाऊंगा बाद में, और उनके सामने में आपने नहीं बोला था। मैं इस बात को क्या मानूं, आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या वो?
हाँ आप सही समझ रही हैं, जैसा भी समझ रही हैं। गर्लफ्रेंड थी वो आपकी, फिर मुझे नहीं जाना है कॉफ़ी पे, फिर मैं क्यों जाऊँ? लेकिन गर्लफ्रेंड थी, जैसे आपने बोला गर्लफ्रेंड थी प्रियंका, बट अब नहीं है। तब तो आपने उसके सामने क्यों बोला कि ये बस मेरी जस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है? वो आप मिली होगी फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं करी। लेकिन आज आपकी वो गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब वो थी, पास्ट हो गया। अच्छा वो पास्ट हो गया। हाँ। तो प्रेजेंट का क्या सोच रहे, प्रेजेंट में कौन है और किसके बारे में सोच रहे हैं आप? प्रेजेंट में कोई नहीं है। अच्छा प्रेजेंट में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? सीरियसली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? फिर तो आप कॉफ़ी के साथ साथ डेट पर भी चल सकते हो मेरे साथ। देख लो मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सोच लो समझ लो देख लो। सीरियसली मतलब मेरे साथ कॉफ़ी पे चलने के लिए रेडी हैं? आपको क्यों नहीं लग रहा कि आपके साथ कोई कॉफ़ी पे जा सकता है, मुझे ये बता दो बस। अच्छा मैंने तो इतनी सारी बातों में मैं तो भूल ही गई, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड का नाम तक याद रखा बट आपका नाम तो याद ही नहीं रखा। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा राजेश। सॉरी राजेश? राजेश, आगे भी कुछ होगा नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह, बढ़िया नाम है ऐसा ना, राजपूतों वाला थोड़ा सा। राजपूत ही है क्या आप? अच्छा ठीक है। सो तो कॉफ़ी चल रहे हैं आप? पक्का वाला चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कैसा रहेगा? प्रियंका को भी बुला लिया जाए, जो आपकी फ्रेंड थी, जो अभी आपने बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, उनको भी बुला लेते हैं। उनको, उनसे तो मेरा कोई मतलब है नहीं। अच्छा उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है तो फिर उनको बुलाते ही नहीं है। हाँ। फिर हम दोनों ही चलते हैं, फालतू में डिस्टरबेंस क्यों ही होगा। हाँ आपने बोला इसलिए मैं मतलब चीजें अब आपने बोल रही हैं तो ठीक है, ठीक है। ये बताओ आपने पिछली बार तो बोला था कि आप मुझे कॉफ़ी पे लेके जाओगे, आप मुझे शॉपिंग करवाओगे और आप मेरे लिए ऐसे गाना गाओगे और आप मुझे कैंडल लाइट डिनर लेके जाओगे, वो सबका क्या हुआ? पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। हाँ नहीं मैं ऐसे ना ऐसे झूठ मूठ में मैं नहीं फंसती, पता चला कि मैंने कॉफ़ी पी लिया बाकी का कुछ हुआ ही नहीं तो फिर होगा क्या? शॉपिंग भी करवाओ, इस पे तो नहीं जाना मुझे, इस पे तो मुझे हंसी आती है, इस पे तो नहीं जाना। तो कॉफ़ी पे चलते ना, कॉफ़ी के बाद शॉपिंग। अब धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अब आप कितना कमा लेते हैं आप? मैं तो अभी कॉल सेंटर पे जॉब करता हूँ। तो कितना कमा लेते हैं? वैसे ही मानिए कि 20,000-25,000। 20,000-25,000 तो मेरे खर्चे ना हैं, कैसे करोगे आप? भाई गर्लफ्रेंड पटा रहे हो आप, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो आप। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं गर्लफ्रेंड के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। हाँ तो फिर आप डेट पे क्यों जा रहे हो फिर? वो तो आपने तो याद दिलाया कि ऐसे मैंने बोला था, तो मैंने कहा कि चलो प्रॉमिस कर रहा। अच्छा कोई भी आपको आके बोलेगा कि अच्छा आपने मुझे बोला था कि आप मुझे डेट पे लेके जाओगे तो आप चले जाओगे लेके? कोई भी नहीं, बट आपने कहा कि आप। अच्छा मैंने आपको बोला ठीक है तो आप डेट पे मुझे लेके जा रहे हो, फिर आप मुझे शॉपिंग भी कराओगे, फिर आप मुझे बोलोगे कि चलो ठीक है आप मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाओ। नहीं नहीं यार ऐसा मैंने नहीं बोला। अच्छा मतलब ऐसा कॉफी के लिए बोला तो मैंने कहा ठीक है कॉफी। अच्छा ऐसा नहीं बोला। अच्छा ये बताओ आप 20,000 तो महीने पर कमाते ही हो, कैसे खर्चे कैसे उठाओगे आप? अभी जिसमें आप जाओगे कॉफ़ी पीने वो वहीं पर बिल आएगा, कम से कम 2,000 तक का बिल आएगा, कैसे पे करोगे आप? अब वो तो मैम आपको बोल रखा है, इसलिए पे कर दूंगा कैसे भी, अब जैसे भी करूंगा आप, क्योंकि आप कह रही हैं कि ऐसा तो नहीं एक कॉफ़ी पिलाने के बाद 6 महीने तक EMI दोगे कॉफ़ी का? ऐसा नहीं है। फिर अब एग्री हो गए हो कि चल रहे हो मेरे साथ कॉफ़ी पे, राइट? हाँ मैं रेडी हूँ चलने के लिए। चलने के लिए रेडी हो? अब ठीक है चल जाएंगे, जहाँ थोड़ी सी कॉफ़ी सस्ती मिले, सस्ती मिल जाए वहाँ। हाँ 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 ये बात आप सही बोल रहे हो, काम भी हो जाएगा। अच्छा आप बहुत चलाक हो रहे हो, मतलब चलाक वाली बात नहीं है, कॉफी पीना भी हो जाएगा और ये है कि पैसे भी उतने खर्च नहीं होंगे, पैसे भी उतने खर्च नहीं होंगे। ठीक है फिर चलते हैं। हाँ, अच्छा मैंने ना अपनी एक फ्रेंड से भी पूछा था कि वो भी आ रही है क्या, तो मैं उसको बता देती हूँ कि बिल का इंतजाम हो गया है, आप तो बिल पे ही कर ही दोगे, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी ले लेती हूँ ना साथ में। दो एक और फिर उसके बाद कोई और आ जाएगी फ्रेंड आपकी, दो दो तीन तीन लोग आ जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो आपका सौभाग्य है ना कि ऐसे दो तीन लड़कियों को एक साथ कॉफी पिलाने का मौका मिल रहा है। मैं
आपसे मैंने बोला देख लो वैसे लड़कों को मिलते नहीं है ये सब सौभाग्य के ऐसे लड़कियों के साथ कॉफी पीने को मिले उनको, आपको तो मिल रहा है एक साथ दो दिन। अच्छा मेरी फ्रेंड है, मैं उसको निशा को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो आ जाए, फिर चलते हैं हम लोग कॉफी पीने, कोई दिक्कत तो थोड़ी है, दो लोगों को तो कॉफी पिला ही सकते हो। किसको बुला रही हैं आप? निशा एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसे कॉल करके पूछा था कि वो आ रही है क्या कॉफी पीने, एक्चुअली मेरा वीकेंड था तो मैंने उसे पूछा था कि अगर तुम फ्री तो ना, मैंने यहाँ आने से पहले मैंने मेरी एक फ्रेंड है निशा, मैंने उसे कॉल करके बोला था कि देखो अगर तुम फ्री हो तो कॉफ़ी पीने आ जाओ साथ में चलेंगे, तो उसने बोला कि अरे यार मेरी तो सैलरी नहीं आई, ये नहीं आई। मैंने सोचा क्यों ही मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करूँ, क्यों ना आपको ढूंढ लिया जाए, आप जैसे किसी को भी ढूंढ लिया जाए, अगर आप नहीं होते तो मैं किसी और से बोल देती। तो आप अब एग्री हो ही गए हो कॉफ़ी पिलाने के लिए, तो दो लोगों को एक साथ पिला दो, दिक्कत क्या है आपको? वो तो आप बातें समझ में नहीं आ रही। देखो कह रहे हो किसी और से बोल देते पहले। अरे नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, किसी वो तो मैंने ऐसे छोड़ो ना, लेट गो करने वाली बात है, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया। बात ये है ना कि आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा भी देख के आपको लग रहा है कि आप बिल तो पे कर ही दोगे, 4-5 हज़ार तो कहा ही सोचोगे आप लड़कियों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी पीने के बाद कॉफ़ी हम पी सकते हैं, बट आप अपने फ्रेंड को क्यों बुला रही हो? अरे उससे मेरी पहले बात हो चुकी थी ना, मैं उसे इसलिए बुला रही हूँ, साथ में वो भी पी लेगी। उसकी सैलरी नहीं आई है यार, समझो ना, उसकी पैसे की दिक्कत चल रही है थोड़ी, तो ना पी कॉफी, जरूरी कॉफी पीना उसको। अरे अब पी लेगी यार, किसी और के पैसे से तो पी ही सकती है ना। क्यों पी सकती है? क्यों नहीं पी सकती? तो भाई आप मुझे अकेले पिला सकते हो तो नहीं, उसे नहीं पिला सकते हो तो अच्छा लगेगा थोड़ी, उसे मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। क्या नाम बताया? मैं निशा। निशा वो मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ ही काम करती है। पूरा नाम क्या है उसका? निशा, निशा तिवारी। निशा तिवारी है, हाँ वो मेरे साथ ही काम करती हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको, वो मेरे साथ ही काम करती है, मैंने सोचा कि मैं उनको मतलब उनको भी साथ में लेते चलूँ। वो टेक महिंद्रा में काम करती हैं, मेरे साथ पहले काम करती थी, अब नहीं करती हैं, अब उन्होंने छोड़ दिया। अब महिंद्रा में निशा तिवारी, हाँ जी, तो वो मैं सोच रही हूँ मैं उनको भी साथ ही लेके चलूँ, अच्छा सा रहेगा। ये निशा तिवारी जो है ये, आप एक बात बताओ, आप मेरे में इंटरेस्टेड हो कि निशा तिवारी में इंटरेस्टेड हो? मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये निशा तिवारी वही तो नहीं है जो यहाँ रहती है द्वारका में? कहाँ रहती है? द्वारका में। हाँ। आप कैसे जानते हो? आप उनके फूफा के बेटे हो? नहीं आप बताइए पहले। हाँ ऐसा ही है, वो द्वारका में ही रहती है, तो आप उनको कैसे जानते हो, उन्हें कैसे जानते हो आप? ये है क्या निशा तिवारी? यही है। आप कैसे जानते हो इनको? आप कैसे जानते हो? वही तो पूछ रही हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप क्यों जा रहे हो भाई? ऐसे कैसे जाओगे? अभी तो दो लोगों को कॉफी पिलानी है, मुझे पिलानी है, निशा को पिलानी है, ऐसे कैसे जाओगे आप? नहीं मैं जा रहा हूँ। क्यों? जो बता रही निशा तिवारी। हाँ। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ। क्यों? नहीं मैं जा रहा हूँ। आप जा क्यों रहे हो? मेरी बात तो सुनो यार, अभी तो कॉफी पिलाने के। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या वो, मुझे ये बताओ। अब ठीक है जो भी है मैम, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे निशा तिवारी का नाम आप जानते हैं। तो मेरी बात सुनो, निशा तिवारी मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बोल रही थी कि वो आ जाए। हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है? नहीं नहीं आपको पता नहीं ना पूरी बात। पूरी बात मुझे आप बता दो ना पूरी बात। तो फिर सॉरी सॉरी मैं भाई ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो तुमने प्रॉमिस करा था तुम कॉफी पिलाने ले जा रहे हो। अरे वो तो गया शायद ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ऐसे फ्लो में ऐसे बोलते चली गई कि अच्छा ऐसा है वैसा है, शायद वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो तो पता नहीं इतनी तेज भाग के गया ना, उसको लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड आएगी और वो एक्सपोज हो जाएगा, तो इतनी तेज भाग के गया ना, मैं क्या ही बताऊँ।